ये देखो माशाल्लाह हमारा जो आलू पराठा है वो तैयार हो गया है। ये अंदर से देख सकते हो आप, बिल्कुल नरम और मुलायम बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये चक्की का आटा है तो तकरीबन अगर 2-3 दिन भी ये आप रखोगे ना तो खुश्क बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि कितने मज़े की बनी हुई है। इसका अंदर देखें, ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कैसे होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपको बताएंगे कि जो आलू पराठा है वो कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी शायद पहले बना चुके हो, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया है उनको हम बताते हैं कि क्या क्या दरकार होता है। तो हमने ये मीडियम साइज़ के मतलब 5 से 6 दाने ये आलू ले लिए हैं, ये उबले हुए हैं। ये आधा चम्मच लाल मिर्च है हमारा, ये आधा चम्मच नमक है, ये काली मिर्च है, ये लहसुन और अदरक की पेस्ट है, और ये हमने लिया हुआ है सब्ज़ मिर्च, ये हरी धनिया लिया हुआ है। तो मतलब अब इनकी हम पहले सबसे मतलब मिक्सचर करेंगे, इनको मिक्स करेंगे फिर आपको बताते हैं। इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ये सारे जो हमारे आइटम हैं। ये देखो माशाल्लाह, अभी इनकी जो मिक्सचर है वो हमने रेडी किया हुआ है, सारे मिक्स किए हैं। तो अभी हम आटा को रेडी करेंगे, आटा बनाएंगे कि कैसे बनता है हम आप लोगों को बताएंगे। तो अभी इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, ये हमारा आटा है, ये हमारे नमक है, मतलब आप लोग हसबे जायका जितना डाल सकते हो डालो। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखो माशाल्लाह अभी हमारा जो आटा है वो तैयार हो गया है। तो अभी 15-20 मिनट तक मतलब इनको रखेंगे, फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो ना हमने ये 2 टिक्कियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है ना? तो इसमें अभी हम हाथ को थोड़ा ऑयल लगा के इनको अच्छी तरीके से टिक्कियों को थोड़ा हम टिक्कियों को बड़ा करेंगे। तो 2 टिक्की हमने लिए हैं वो बराबर साइज के, तो जब ये हम थोड़ा बड़ा करेंगे फिर इनके ऊपर हम अपने आलू और जो इसकी मिक्सचर हमने बनाया था वो हटा लेंगे। तो ये देखो एक थान हमने बड़ा कर दिया है, अभी इसमें हम ये आलू मिक्स करेंगे, इनको बराबर करेंगे। तो अभी दूसरा थान भी इसका हमने बराबर कर लिया है, तो साइड में हम ये थोड़े ऑयल डालेंगे ताकि ये सही तरीके से मिक्स हो जाए और इनके जो आलू वगैरह वो बाहर ना निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो अभी इसमें हम थोड़ा ये ऑयल यहाँ पे लगा देंगे। हम लगाएंगे, ये हमने इसके ऊपर रखा है, अभी यहाँ पे थोड़ा ऑयल हम छनक देंगे, थोड़ा ऑयल छनक देंगे। ये देखो माशाल्लाह हमारा जो आलू का पराठा है वो तैयार हो गया है। ये देखो माशाल्लाह हमारा जो आलू पराठा है वो तैयार हो गया है। ये अंदर से देख सकते हो आप, बिल्कुल नरम और मुलायम बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये चक्की का आटा है तो तकरीबन अगर 2-3 दिन भी ये आप रखोगे ना तो खुश्क बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि कितने मज़े की बनी हुई है। इसका अंदर देखें, ये देखें माशाल्लाह।